हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं संतोष भगत, आप देख रहे हैं स्वतंत्र सागर न्यूज, आपका स्वागत है। YouTube वीडियो देखकर बाइक चोरी करने वाले चार शातिर चोर को किया गिरफ्तार। वसई से आज के जमाने में यूट्यूब की उपयोगिता काफी बढ़ गई है। यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियो बनाए व देखे जा रहे हैं, जिसमें कई वीडियो में बहुत ही कम काम की सामग्री होती है, पर कई वीडियो में बहुत ही काम की सामग्री भी मिलती है। नए नए फिल्मों के गाने, कॉमेडी मूवी आदि को YouTube पे देखने का क्रेज हर उम्र में लोगों को देखा जा सकता है। इसके अलावा कई ऐसे वीडियो YouTube पे आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें से किसी वीडियो में नई टेक्नोलॉजी की जानकारी मिलती है तो किसी में 5 मिनट क्राफ्ट, ऐसे वीडियो हर सामान्य व्यक्ति में कुछ उत्सुकता पैदा करते हैं और सामान्य व्यक्ति ऐसे वीडियो से प्रेरणा लेकर कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे में अपराधी किस्म के लोग इसी तरह की सामग्री का गलत उपयोग करते हैं। ऐसा ही एक मामला वसई के मानिकपुर पुलिस स्टेशन में सामने आया है, जहां चार चोर एवं बदमाश किस्म के लोगों ने YouTube पर बिना चाबी के गाड़ी खोले जाने के वीडियोस देखकर उसका उपयोग मोटरसाइकिल चोरी करने में किया है। हालांकि कहते हैं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, जिस कहावत को मानिकपुर पुलिस ने सही साबित करते हुए इन चोरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इन चारों से चोरी की गई सभी मोटरबाइक साइकिल भी बरामद की गई है। इस मामले की जानकारी मानिकपुर पुलिस निरीक्षक बाहू साहेब आहिर ने दी। स्वतंत्र सागर न्यूज के लिए संवाददाता इसु पली की रिपोर्ट। मानिकपुर वसई में बहुत सारी गाड़ियां चोरी हो रही थी, तो उसमें से 12 गाड़ी हमने डिटेक्ट किया है और 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। उसमें से मानिकपुर, नाला सोपारा, विरार और वालियो, ये जगह की गाड़ियां मोटरसाइकिल्स रिकवर किए हैं हमने और 4 आरोपियों को अरेस्ट किया है। सर, किस प्रकार वारदात को अंजाम देते थे, घटना को किस प्रकार अंजाम देते थे, योजना कैसे बनती थी? ये लोग दिन में, रात में जहाँ गाड़ी पार्किंग होती थी वहाँ का गाड़ी का लॉक तोड़ के गाड़ी आगे जाके डायरेक्ट करके वो गाड़ी लेके चोरी करके निकल जाते थे और बाद में वो गाड़ी का नंबर प्लेट वगैरह तोड़ के बोगस कागज पेपर उसके ऊपर चढ़ा के वो गाड़ी बेचते थे। सर, इनका बैकग्राउंड क्या था आरोपियों का? आरोपी तो क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, कई जगह उनके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर है, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, उनका बैकग्राउंड भी चेक कर रहे हैं हम लोग। सर, जो हस्तगत की गई 12 गाड़ियाँ, इनके अलावा और भी कुछ गाड़ियों के कुछ इनका लिंक मिला है? अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है उसका, और मिलने के चांसेस है। सर, इनकी टारगेट कौन सी गाड़ियाँ रहती थी और उसका उपयोग क्या करते थे, इस्तेमाल क्या करते थे, चोरी करने के लिए या फिर बेचने के लिए क्या करते थे? ये बेचने के लिए गाड़ी चोरी करते थे, डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगा के बोगस पेपर लगा के वो गाड़ी बेचते थे। इसमें बोगस पेपर बनाने वाले कोई पकड़े गए क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं है, मगर वो हिसाब से उन्होंने चोरी किया था। कितने आरोपी है? 4 आरोपी अरेस्ट किए अपने। इनके ऊपर अभी तक कितने मामले ऐसा दर्ज हुए और कहां दर्ज हुए? कुछ टोटल 12 मामले दर्ज हुए हैं मानिकपुर में, वसई, नाला सोपर और वाली पुलिस स्टेशन में मामले दर्ज है, अलग अलग मामले दर्ज है।